मणिपुर की जो बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये कोई घटना नहीं, ये तो वो जनसंहार है जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि कोई बोलने तक तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अब देश का मुखिया जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो पता नहीं 2.5-3 महीने से क्यों, किस इंतज़ार में हैं, क्यों नहीं एक शब्द वो बोल पाए। विदेश यात्रा उन्होंने कर ली, उसके बावजूद वो मणिपुर पर नहीं बोले। लोग कहते हैं कि वो तो बाहर के विदेशों के जो युद्ध हैं आपसी, उनको भी बंद करवाने की क्षमता रखते हैं, फिर अपने ही देश का एक प्रदेश जल रहा है उसको रोकने की क्षमता उनमें नहीं है। ऐसा क्या है कि वो वहाँ पर नहीं बोलना चाहते? कल जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया, उसके बाद केवल 36 सेकंड वो बोले हैं मणिपुर पर, और उसके बाद भी केवल ये कहा कि मैं आहत हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा है। पीड़ा तो हर देशवासी को है, लेकिन उसके बाद किया क्या? क्या मुख्यमंत्री से उन्होंने इस्तीफा मांगा? क्या उन्होंने मणिपुर जाने की बात करी? क्या उन लोगों को बुलाया जो दोनों समुदाय हैं, उनको बुला के बात करी जा सकती थी? उस तरफ कोई काम नहीं किया, केवल 36 सेकंड की एक स्टेटमेंट देकर वो चले गए। देखिए, जिस तरह का मामला मणिपुर में हुआ है, और वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन ने ये कहा कि ये केवल एक मामला नहीं है, वहाँ तो सैकड़ों ऐसे मामले हैं जहाँ महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार किए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। आप देखिए कि एक 21 साल की लड़की, केवल 21 साल की लड़की, जो पूरी भीड़ पुलिस से छुड़ाती है, पुलिस छोड़ देती है, मतलब भीड़ के हवाले कर देती है, ये कितनी बड़ी, मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के पास जाती है और पुलिस उनको भीड़ के हवाले कर देती है, कितना बड़ा ये मसला है। उसके बाद जिस तरह से लोगों ने उसको नोचा है, दबोचा है, और जिस तरह से खेतों में जाके उसके साथ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बलात्कार किया है, और उसका भाई जब उसे बचाने आता तो उसके भाई की हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए कि उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी और वो कैसे जीवन यापन करेगी। क्या देश के प्रधानमंत्री को इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री जो जरा जरा सी बात पर स्टेटमेंट देती हैं, जो प्रधानमंत्री जी को, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे उनको चूड़ी भेजने की क्षमता रखती हैं, जो सिलेंडर के 2 रुपये रेट बढ़ते ही सड़क के ऊपर सिलेंडर लेकर नाच रही है, क्या वो आज हाथरस होता है वो नहीं बोलती हैं, उन्नाव होता है वो नहीं बोलती हैं, आज मणिपुर में जिस तरह से बच्चियों के साथ हो रहा है वो नहीं बोलती हैं? क्या है इसके पीछे, क्यों नहीं बोल रही हैं? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को और महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी उनकी अगर आत्मा बची हुई है तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो पुलिस का रवैया लगता नहीं है कि काफ़ी नकारात्मक रहा है? बिल्कुल, पुलिस का रवैया भी बिल्कुल नकारात्मक है। जब पुलिस के सामने वो पुलिस के बीच में है, पुलिस के पास वो बचने के लिए जा रही हैं और पुलिस उनको भीड़ के हवाले कर देती है, तो डेफिनेटली पुलिस भी नहीं चाहती कि उनको बचाया जाए। और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते कि उनको बचाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का त्याग पत्र लेना चाहिए था, अभी तक कोई बात नहीं करी। जितने लोग जो आज सत्ता में हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे महिला एवं बाल विकास मंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, जो भी लोग हैं, ये इनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये देश हित में थोड़ा सा भी, अगर देश के प्रति इनमें लगाव है, देश के लोगों के प्रति लगाव है, अगर थोड़ा सा भी इनमें आत्मा इनकी बची हुई है, तो इनको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि इनके बस का अगर देश नहीं चलाना है तो संविधान को ख़त्म करने की तरफ ये क्यों अग्रसर हैं? ना ये लोकतंत्र इन्होंने छोड़ा है, ना इन्होंने देश की किसी संस्था को छोड़ा है, ना इन्होंने लोगों को छोड़ा है। इन्होंने लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। लोग कहाँ मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, कितने मर रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ देश में। अरे, दुनिया भर के यहाँ पर लोग आए हैं जो सत्ता में आए हैं, उन्होंने जरा सा रेल हादसा होता है तो उन्होंने त्याग पत्र दिए हैं, लेकिन आज रेल हादसा होता है तो भारत माता की जय बोल दी जाती है और मामला खत्म। क्या देशभक्ति है इन लोगों की? क्या इन बच्चियों की, इन महिलाओं की अस्मिता के साथ ये खेल रहे हैं जो लोग? उन लोगों को बचाने की जिम्मेदारी आज हमारे मुखिया की है। अगर मुखिया उसमें संज्ञान नहीं ले पाते हैं, या वो अक्षम है, या उनमें क्षमता नहीं है, तो उनको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए।